हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में दो नेक्ड स्पोर्टी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में KTM ड्यूक 125 BSX और यामा FZ5 वर्जन 3 BSX के बारे में डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे इन दोनों बाइक से रिलेटेड आपको सारी बातों में डिटेल बताऊंगा, वो चाहे इसकी प्राइस हो, फीचर हो, या फिर इन दोनों बाइकों में क्या फायदे हैं और क्या कमी है, ये सारी बातें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे इस वीडियो में आपके मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे इन दोनों बाइक से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक आपके बजट के अंदर आ रही है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों बाइक्स के कलर और डिजाइन की बात करेंगे। तो KTM ड्यूक 125 BSX में आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें ऑरेंज, ब्लैक और व्हाइट शामिल है। तो वही यामा FZ5 BSX में आपको केवल 2 ही कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मेटेलिक ब्लैक और रेसिंग ब्लू शामिल है। अब बात कर लेते हैं इनके डिजाइन की। तो ड्यूक 125 के फ्रंट में आपको एक अलग डिजाइन का छोटा सा हेडलैम्प मिल जाता है। तो वही FZ5 के हेडलैम्प को आप देख सकते हैं, इसमें काफी अग्रेसिव डिजाइन का हेडलैम्प दिया गया है। साइड व्यू की बात किया जाए तो ड्यूक 125 में स्टाइलिश फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई भी पार्ट आपको अलग अलग नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके टैंक के डिजाइन ही कुछ ऐसे किया गया है। इसके टैंक पर ड्यूक 125 लिखा हुआ है, जिसमें अच्छी सी ग्राफिक्स की गई है। नीचे के साइड इसमें आपको रेडिएटर मिल जाता है। इस बाइक में आपको ऑरेंज कलर की व्हील मिल जाती है, क्योंकि KTM की बाइक है तो इसमें ऑरेंज तो रहेगा ही। इसके अलावा इसके एग्जॉस्ट को आप देख सकते हैं, काफी नीचे छोटा सा दिया गया है। इसके पीछे के साइड पे सीट के पास थोड़ा सा ग्राफिक्स किया गया है। बाकी इसमें सिल्वर कलर की आपको शॉकर देखने को मिल जाती है, और कहीं कहीं पार्ट आपको सिल्वर कलर के दिख जाते हैं। इसके अलावा इसमें काफी सारे पार्ट ब्लैक कलर के दिए गए हैं। पीछे के साइड टेल लैंप दिया गया है, जिसमें LED लाइट लगा हुआ है, और इसमें इंडिकेटर लाइट में भी LED लाइट लगा हुआ है, और इसमें आपको स्टाइलिश स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाता है। तो वही यामा FZ5 को साइड से देख सकते हैं, इसमें काफी अलग डिजाइन का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा अलग दिया गया है और वहाँ पे यामा का लोगो लगा हुआ है। इसके अलावा टैंक पर आपको क्रोम डक प्लेटिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये क्रोम पार्ट काफी अच्छा लगता है, इस बाइक के लुक को थोड़ा सा और बढ़ा देता है। इसके अलावा इसके फ्रंट शॉकर पर यामा लिखा हुआ है, और इस बाइक में आपको कहीं पर भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलती है। इस बाइक में इंजन काउल तो दिया गया है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ऊपर पूरा पार्ट ढका हुआ मिलता है, जिससे कि इस बाइक का इंजन पूरा ढका हुआ आपको लगेगा, जिससे कि आपका इंजन पूरा तरह से प्रोटेक्ट रहता है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स के कलर और डिजाइन के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। तो इन दोनों बाइक्स को आप अपने स्क्रीन पे पहले फ्रंट से, साइड से और बैक से देख सकते हैं, जिसका भी डिजाइन आपको अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की। तो KTM ड्यूक 125 BSX में 124.71 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड BSX कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है, जबकि यामा FZ5 में 149 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC2 वॉल्व BSX कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। KTM ड्यूक का ये इंजन 11 किलोवाट का पावर और 12 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि यामा FZ5 का इंजन 9.1 किलोवाट का पावर और 13.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो वही KTM ड्यूक 125 में आपको 6 स्पीड तक गियर बॉक्स मिल जाएगा, जबकि FZ5 में 5 स्पीड तक गियर बॉक्स दिया गया है, और इन दोनों बाइक्स में आपको केवल इलेक्ट्रिक स्टार्टर मिलता है, इसमें किक स्टार्टर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स अलग अलग सेगमेंट के हैं, इसके बावजूद भी KTM 125 का पावर आपको यामा FZ5 से ज्यादा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे KTM ड्यूक का टॉर्क थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल पावर जो है KTM ड्यूक में आपको काफी अच्छी मिलेगी, और इसकी टॉप स्पीड भी यामा से ज्यादा ही होगी। कितना ज्यादा होगी ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा KTM ड्यूक में आपको 6 स्पीड तक गियर बॉक्स मिल जाता है, तो ये हैवी राइडिंग के लिए भी काफी अच्छी रहेगी, और इसके इंजन भी काफी स्मूथ होगी यामा FZ5 के मुकाबले में। KTM ड्यूक 125 cc सेगमेंट के होने के बावजूद भी इसमें काफी अच्छी आपको पावर मिल जाती है, तो यामा FZ5 में आपको पावर की थोड़ी सी कमी जरूर महसूस होगी। तो यहाँ पे इंजन पावर के मामले में KTM ड्यूक 125 थोड़ा सा आगे है। आगे बात करते हैं इनके सस्पेंशन की। तो KTM ड्यूक के फ्रंट में WP एपेक्स, जबकि इसके रियर में WP एपेक्स मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो कि एडजस्टेबल भी है। तो वही यामा FZ5 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों बाइक यंग जनरेशन के लिए काफी अच्छी है। तो वही KTM ड्यूक में पिलियन लेडीज के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है यामा के मुकाबले में, यामा में काफी अच्छी सीटिंग पोजीशन भी दी गई है। आगे बात करते हैं टायर और ब्रेक्स की। तो KTM ड्यूक 125 के फ्रंट में 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर, जबकि इसके रियर में 150/60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है।
तो यामाहा FZ-FI के फ्रंट में 100x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 140x60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो KTM ड्यूक के फ्रंट में 300mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। तो यामाहा FZ-FI के फ्रंट में 282mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स के टायर साइज को आप देख सकते हैं। यहाँ पे KTM ड्यूक 125 में थोड़ी सी चौड़ी टायर मिल जाती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको ड्यूक 125 में काफी अच्छी मिल जाती है यामाहा FZ-FI के मुकाबले में। आगे बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के कुछ फीचर्स की। तो ड्यूक 125 में सेफ्टी के लिए सिंगल चैनल का ABS दिया गया है। तो यामाहा FZ-FI में भी सेफ्टी के लिए सिंगल चैनल का ABS दिया गया है। ड्यूक 125 में आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है जिसमें गियर पोजीशन, स्पीड, फ्यूल की जानकारी और ट्रिप की जानकारी भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें कई सारे इंडिकेटर लाइट्स भी दिए गए हैं जैसे टर्न इंडिकेटर लाइट, मिसलीडिंग लाइट, RPM शिफ्ट लाइट, न्यूट्रल लाइट, हेडलैम्प हाई बीम लाइट और ABS लाइट दिया गया है। इसके अलावा मोड सेलेक्ट करने के लिए स्विच भी दिया गया है। तो यामाहा FZ-FI में LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है जिसका बैकग्राउंड काफी अच्छा लगता है। इसमें आपको स्पीड, ट्रिप, फ्यूल की जानकारी मिल जाती है। इसके साइड पर आपको इंडिकेटर लाइट्स भी मिल जाते हैं जैसे टर्न इंडिकेटर लाइट, ABS लाइट, मिसलीडिंग लाइट और हेडलैम्प हाई बीम लाइट। ड्यूक 125 के राइट हैंडल बार पर आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है। तो वहीं FZ-FI में भी इंजन किल स्विच दिया गया है। ड्यूक 125 के हेडलैम्प में हेलोजन बल्ब लगा हुआ है ऑटो हेडलैम्प ऑन के साथ। तो वहीं FZ-FI में आपको LED हेडलाइट मिल जाता है हाई बीम और लो बीम के साथ। FZ-FI में आपको एडवांस मिड शिप का मफलर कवर मिल जाता है और इसका एग्जॉस्ट सिस्टम का डिजाइन काफी अच्छा लगता है, काफी स्पोर्टी लगता है। जबकि ड्यूक 125 में नीचे के साइड एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है तो यहाँ पे कुछ अलग ही डिजाइन का यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है। ड्यूक 125 में रियर हगर दिया गया है तो वहीं FZ-FI में भी आपको रियर हगर देखने को मिल जाता है। KTM ड्यूक में आपको 2 लेवल की सीट मिल जाती है जो कि स्प्लिट सीट है और इसमें पिलियन सीट थोड़ा सा ऊंचा भी दिया गया है। जबकि FZ-FI में 2 लेवल की सीट तो दी गई है लेकिन इसका सीट स्प्लिट नहीं है और पिलियन सीट भी ज्यादा ऊंचा नहीं दिया गया है। तो इस बाइक में लेडीज पिलियन काफी अच्छी दी गई है, इसमें काफी चौड़ी भी सीट मिल जाती है। तो इस बाइक में KTM के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी सीट दी गई है। ड्यूक 125 में आपको स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाता है जबकि FZ-FI में स्प्लिट ग्रैब रेल नहीं दिया गया है। KTM ड्यूक में इंजन काउल दिया गया है जो कि फाइबर का बना हुआ है। तो यामाहा FZ-FI में भी इंजन काउल दिया गया है। तो ये था इन दोनों बाइक से कुछ बेसिक से फीचर्स। यहाँ पे KTM ड्यूक 125 cc सेगमेंट में है लेकिन इसका ज्यादातर फीचर FZ-FI 150 cc से मिलता जुलता है। तो जाहिर सी बात है KTM ड्यूक का प्राइस भी ज्यादा होने वाला है। प्राइस कितना होगा ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। इसके अलावा इन दोनों बाइक्स में जिसका फीचर आपको अच्छा लगे उस बाइक को आप चूज कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इनके माइलेज और टॉप स्पीड की। लेकिन माइलेज और टॉप स्पीड बताने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं जो भी माइलेज और टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो KTM ड्यूक 125 45 से 48 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। तो अगर आप इसे सिटी ट्रैफिक में ज्यादा चलाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा कम इसमें आपको माइलेज मिले। तो वहीं यामाहा FZ-FI में 45 से 50 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगा। तो वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो KTM ड्यूक की टॉप स्पीड 115 से 120 KMPS तक है जबकि FZ-FI का टॉप स्पीड 115 KMPS तक है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में थोड़ी सी अच्छी माइलेज आपको यामाहा FZ-FI में मिल जाती है। लेकिन वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो KTM 125 cc सेगमेंट में होने के बावजूद भी इसकी टॉप स्पीड यामाहा FZ-FI से ज्यादा है क्योंकि इसमें आपको इंजन पावर काफी अच्छी मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं इनके कुछ डायमेंशंस की। तो KTM ड्यूक 125 की सीट हाइट 810mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 175mm है, कहीं कहीं पे आपको 147mm भी बताया जाता है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर है और इसका कर्व वेट 141.4 kg है जबकि यामाहा FZ-FI का सीट हाइट 790mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर और इसका कर्व वेट 137 kg है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में सीट हाइट थोड़ी सी ज्यादा KTM ड्यूक 125 की है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो KTM ड्यूक चलाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो वहीं ड्यूक 125 के वेट को भी आप देख सकते हैं, ये 125 cc सेगमेंट में इसका वेट काफी ज्यादा है अगर अन्य किसी 125 cc कंपेयर किया जाए तो। आगे बात आती है इन दोनों बाइक्स के प्राइस की। तो KTM ड्यूक 125 BSX का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1.43 लाख रुपीस यानी कि 1,43,000 रुपए तक है। जबकि इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये बाइक ऑन रोड लगभग 1.63 लाख यानी कि 1,63,000 रुपए तक मिल सकता है। तो वही हमारा FZ-FI वर्जन 3 BSX का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,01,700 रुपीस तक है। तो वही इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये लगभग 1.20 लाख यानी कि 1,20,000 रुपए तक मिल सकती है। यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में प्राइस भी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। KTM ड्यूक 125 cc में होने के बावजूद भी इसकी प्राइस कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे इन दोनों बाइक्स में आपको थोड़ी सी सस्ती बाइक चाहिए तो आप यामाहा FZ-FI को ले सकते हैं। तो इन दोनों बाइक से कुछ फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं।
तो KTM 125 ड्यूक के अगर फायदे की बात करें, तो अगर आप KTM लवर हैं, तो ये बाइक KTM की एंट्री लेवल बाइक है। तो अगर आपकी बजट थोड़ा सा कम है लेकिन आप KTM बाइक चलाना चाहते हैं तो इस बाइक को आप ले सकते हैं। इस बाइक में आपको इंजन पावर काफी अच्छी मिल जाती है। तो इस बाइक की कुछ कमी की बात करें, KTM ड्यूक 125 का डिजाइन बाकी ड्यूक मॉडल के मुकाबले थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल जाता है। ये बाइक थोड़ी सी ओवर प्राइस हो जाती है और इसमें LED लाइट भी नहीं दिया गया है। तो वहीं Yamaha FZFI के फायदे की बात करें, तो ये बाइक इस रेंज में काफी अच्छी प्राइस में मिल जाती है। इस बाइक में आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं और इस बाइक का लुक भी काफी अच्छा लगता है। तो इस बाइक की कमी की बात करें तो इसमें डुअल चैनल का ABS नहीं दिया गया है। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम उतना अच्छी नहीं है जितना कि KTM में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में इन दोनों बाइक से रिलेटेड सारी बातें आपको मैंने बता दी हैं। इसके अलावा भी आपके अगर मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन दोनों बाइक्स में आपको कौन सी पसंद है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।